प्रशासन की सभी इकाई एकजुट होकर काम कर रही हैं। इसके चलते अभी तक हमने कोरोना को हराया है। नमस्कार, मैं जीशान जावेद आपके साथ, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। हम एक टीम के तौर पे काम कर रहे हैं, इसके चलते हम कोरोना को हराने में सक्षम हैं, ऐसा कहना है CMHO रीवा का। स्वास्थ्य विभाग पुरजोर तरीके से काम कर रहा है, वह अन्य विभागों से लगातार संपर्क बनाकर एक टीम की तरह काम कर रहा है। जहां भी मरीज के सूचना होने की मिलती है, वहां टीम वहां रवाना की जाती है, उसकी जांच होती है, उसका उचित इंतजाम किया जाता है। बाहर से आने वाले लोगों की लगातार जांच जारी है। बगैर जांच किसी को रीवा से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, ना ही किसी को बगैर जांच के रीवा में रहने दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग अभी तक ऐसा कर पाने में सक्षम रहा है, ऐसा कुछ कहना रीवा CMHO डॉक्टर RS पांडे का। इस समय कोरोना वायरस पूरे देश दुनिया में फैला हुआ है, सारे लोग इस वजह से परेशान हैं, अपने अपने घरों में लॉकडाउन है। जैसा कि इसका केवल एकमात्र इलाज बताया गया है, पूरे देश दुनिया में तमाम लोग में इस समय जो लोग सड़क में रहकर फील्ड में जाके काम कर रहे हैं, वह है पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जिन दो विभागों का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। हम इसी तरीके से एक विभाग जिसको स्वास्थ्य विभाग कहा जाता है, वहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ रीवा स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख डॉक्टर पांडे इस समय मौजूद हैं। हम आज तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, जितनी भी शंकाएँ आपकी उन सब का समाधान करेंगे। डॉक्टर साहब, न्यूज़ नेटवर्क टुडे को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल, रीवा को कुछ अखबारों ने ऑरेंज जोन में दिखाया, तीन मरीज दिखाए, पूरा मामला क्या है जिसके बताइए। ये कहना कि रीवा में तीन मरीज हैं गलत है। यहाँ पर केवल दो ही मरीज आए हैं जिनके सैंपल हमारे द्वारा लिए गए थे और संजय गांधी में उनकी जांच कराई गई थी और दोनों वो केसेस पॉजिटिव आए हैं। तीसरा प्रकरण जो मेरे को समझ में आ रहा है, एक डॉक्टर साहब थे, हैं मतलब, ये दिल्ली में थे, जिनका सैंपल की जांच दिल्ली में हुई थी और वहाँ पर पॉजिटिव आया था। चूँकि यहाँ के वो निवासी हैं, वर्तमान में अभी भी दिल्ली में है, अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, तो उस प्रकरण को जोड़ करके यहाँ पर तीन कह दिया गया है, ये सही नहीं है। जिस जगह पर सैंपल लिया जाता है उसी जिले में उस सैंपल का पॉजिटिव और निगेटिव की गिनती होती है, तो यहाँ के हिसाब से केवल दो ही केस। एक बड़ा सवाल यह पैदा होता है, यहाँ पर पूरे देश से इस समय मजदूर पलायन करके आ रहे हैं, यहाँ पर जो भी जांचें हैं किस तरीके से आप सावधानी बरत रहे हैं और किस तरीके से आप जांच ले रहे हैं और किन सैंपलों को आप सैंपलिंग कर रहे हैं? ये सही है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या भारत शासन के गृह मंत्रालय द्वारा निर्देशित किया गया है कि यदि प्रदेश के बाहर के लोग दूसरे प्रदेशों में हैं तो उनको सुविधापूर्वक अपने प्रदेश में लाने के लिए व्यवस्था की गई है और लोग आ भी रहे हैं। अभी कल की बात है, प्रशासन के द्वारा पता चला कि भारत मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बॉर्डर पर लगभग 16,000 मध्य प्रदेश के लोग हैं जो वहाँ पे थे, बसों के द्वारा उन्हीं को लाया जा रहा है। ये अनवरत प्रक्रिया लगभग 4 दिन से चल रही है। यूपी बॉर्डर से भी लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र बॉर्डर से भी आ रहे हैं, क्योंकि हम दोनों मतलब उत्तर और दक्षिण में यही दोनों बॉर्डर लगे हुए हैं। यूपी बॉर्डर से तो उत्तराखंड और इवन हिमाचल प्रदेश और दिल्ली तक के लोग, महाराष्ट्र से यूपी से होकर के या तो इलाहाबाद बॉर्डर से इंडिया अपने MP में जा रहे हैं या झांसी के पास से MP में दतिया होकर आ रहे हैं और इधर महाराष्ट्र बॉर्डर से भी लोग आ रहे हैं। यहाँ पर अभी मेरा हिसाब है लगभग 10,000 लोग आ चुके हैं दोनों बॉर्डर से मिला करके और अभी भी लगातार लोगों का आना जारी है। हमने अभी आज की स्थिति में 9 टीमें लगाई हुई हैं, 5 हमारे मार्तंडी स्कूल में लगी हुई, 4 टीमें यहाँ हैं। मैं बैठ के स्वयं यहाँ मॉनिटर कर रहा हूँ, किसी भी अव्यवस्था को दूर करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन चूँकि पब्लिक की आमद काफ़ी ज़्यादा है, हो सकता है गर्मी का सीज़न है, थोड़ी बहुत परेशानी यदि है भी तो मैं लोगों से इसके लिए दुख व्यक्त करता हूँ कि हम शायद उतनी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, पर फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह लोगों को परेशानी ना हो। एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जिस तरीके से आप लोग बाहर के लोगों को ला रहे हैं यहाँ पर आप सैंपलिंग कर रहे हैं, उनकी जांच कर रहे हैं, लेकिन ये देखा गया है कि जो गाड़ियाँ उनको यहाँ तक ला रही हैं जिला अस्पताल तक, वो वहाँ से वो मरीज यहाँ से मार्तंड स्कूल तक पैदल जा रहा है, तो क्या इस बारे में आप लोगों की सावधानी बरतने की ज़रूरत है या ये एक सामान्य प्रक्रिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, गाड़ियाँ जिस गाड़ी से मरीज आता है सिद्धांत उस गाड़ी को यहाँ खड़े रहना चाहिए, जैसे मरीज की जाँच हो लोग उसे बैठते जाएँ और चले जाएँ, वो उनके लिए सुविधाजनक है। अब ये प्रशासन की व्यवस्था, हो सकता है गाड़ियों की समस्या हो, गाड़ियों को कहीं और भी भेजना हो, तो ऐसी स्थिति में हमने भी देखा कि आते जाते में कुछ लोग हमको पैदल जाते हुए दिखे हैं
अब चूंकि ये रीवा के लोग हैं, इनको ये माना जाए कि अब इनको मार्तंड स्कूल नहीं जाना है, अब इनको घर जाना है, तो घर जाने के लिए जहाँ से भी उनकी व्यवस्था हो रही होगी वहाँ पर शायद लोग जा रहे होंगे। अब इसकी जानकारी प्रशासन से पता चल पाएगी, क्योंकि हमने उनको जांच करके छोड़ दिया है, वो अपने हिसाब से जा रहे हैं। एक अंतिम सवाल, जैसा कि इस समय कोरोना फैला हुआ है, लगातार आप लोग काम कर रहे हैं और वो दिख भी रहा है, फील्ड में दिख रहा है, जिसका नतीजा रीवा में कोरोना का एक भी पेशेंट अभी तक नहीं आया, जो भी आए वो किसी अन्य कारणों से आए थे, तो ये आप लोग बाकी विभाग से किस तरीके से सामंजस्य बैठाल के काम कर रहे हैं? देखिए, लोग बाहर के आ रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो केसेस हैं ये एक्चुअली डायरेक्ट यहाँ के निवासी जरूर है, लेकिन उसका स्रोत दिल्ली से होके आया है, जैसा कि हमको समझ में आ रहा है। हमारा पुलिस प्रशासन का, नगर निगम का और अन्य एजेंसियाँ जो इस काम में लगी हुई हैं, कोरोना के यहाँ देश में जब से कोरोना का केसेस पाया गया है, तो जो भी सामान्य जो भी एजेंसियाँ हैं उनका पूरा सहयोग मिलता है। सबसे ज़्यादा पुलिस विभाग का है, नगर निगम का है, और हम लोग दिन रात एक दूसरे विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का फ़ोन अटेंड करते हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रीवा में केसेस की संख्या बिल्कुल ना बढ़े और जो हैं वो जल्दी से जल्दी समय अनुसार ठीक होकर के अपने घर चले जाएं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर आर एस पांडे, जिनका साफ तौर से कहना था कि हम लोगों ने टीम भावना के तहत बाकी डिपार्टमेंटों के साथ ज्वाइंट होकर काम किया, जिसका नतीजा अब पूरा रीवा शहर देख रहा, कोरोना नाम का यहाँ पर कोई भी बीमारी यहाँ पर नहीं फैली, एक भी वायरस संक्रमित मरीज यहाँ पर नहीं आया। न्यूज़ नेटवर्क टुडे के लिए मैं जावेद अंसारी, समीम सौदागर के साथ। कोरोना को हराना है, अभी तक हमने ये करके दिखाया है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार के दिए दिशा निर्देशों का पालन करिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।